हेलो वेलकम बैक टू योर वाचिंग मैथमेटिक्स क्लास ऑन एक्सरसाइज वाचिंग पेरीमीटर एंड एरिया। ओके सो टुडे आई विल डिस्कस ऑन क्वेश्चन नंबर 6। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6, ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 42 मीटर लॉन्ग एंड 38 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जो कितना लंबा दिया, 42 मीटर एंड वाइड कितना दिया है, 38 मीटर वाइड। ओके तो रमन रन अराउंड द फील्ड। रमन जो है वो दो बार राउंड लगाते हैं, तो उसी को हम लोग यानी कि दो बार राउंड लगाते हैं, तो उसका हाउ फाइंड, यू टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ही कवर। ओके वो कितना डिस्टेंस कवर किया ये हमें देखना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मान के चलो ये आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है, ध्यान से सुनोगे, ये आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है। ओके तो ये हो गया 42 मीटर, ये हो गया 38 मीटर। ओके तो रमन अगर मान के चलो कि अगर यहाँ से वो अगर शुरू करता है, यहाँ से एक राउंड लगा दिया, फिर दो राउंड लगा दिया, कितना राउंड लगाया, दो राउंड लगाया। ओके तो ये चीज़ आपको समझना है, रमन रन अराउंड द फील्ड ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो राउंड लगाता है। तो रेक्टेंगुलर फील्ड पहले ही बता दिया, तो एक काम करते हैं, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन क्या दिया है, क्या दिया, देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ओके जी कम क्या मानते हैं एल, कितना आ गया 42 मीटर। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जी को हमने क्या माना, बी 38 मीटर। ओके अब आप पहले तो ये देखना है कि इसका पेरीमीटर क्या, पेरीमीटर मतलब आप समझ लीजिएगा कि वन राउंड, एक राउंड। ओके तो हम कैसे निकालेंगे पेरीमीटर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सो वी हैव टू फाइंड आउट पेरीमीटर। ओके सो वी नो पेरीमीटर इक्वल टू, जो फॉर्मूला है वो हम लिख दिया। तो पेरीमीटर जो है वो हमें मालूम नहीं है, हमें तो पेरीमीटर ही तो निकालना है। तो क्या हो जाएगा 42 प्लस 38, हमने जब इसको ऐड किया तो कितना आया 80, तो इसका मतलब 160 मीटर आ गया। ओके 160 क्या आया, मीटर आया। तो ये आपका क्या निकल गया, पेरीमीटर, क्या निकल गया, पेरीमीटर। ओके तो ये जो मेरा पेरीमीटर निकला, इसको मैं समझूंगा कि वन अराउंड, एक अराउंड मेरा क्या बन गया, 160 मीटर। क्लियर हो गया। अब आप देखो, रमन रन अराउंड द फील्ड ट्वाइस, वो जो फील्ड में वो कितना राउंड लगा रहे हैं, दो राउंड लगा रहे हैं। तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखे, रमन रन्स अराउंड द फील्ड ट्वाइस, वो दो राउंड लगाता है, तीन राउंड होगा तो थ्री, फोर होगा तो फोर, तो ट्वाइस मतलब डबल, टू राउंड। तो उसका वो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो कैसे लिखोगे, डिस्टेंस ही कवर्ड। ओके तो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो मैं लिखूंगा ट्वाइस मतलब टू, एक अराउंड कितना था 160, तो मेरा आंसर आ गया 320। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ही, अच्छा इसको मैं प्रेजेंट टेंस में लिख देता हूँ, जो क्वेश्चन में लिखे, ही कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 320 मीटर, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे क्या दिया है, नूपुर रन अराउंड रेक्टेंगुलर फील्ड। ये हम नूपुर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ दौड़ रही है, रेक्टेंगुलर फील्ड में, लेंथ दे दिया एंड ब्रेथ दे दिया। ओके तो इसमें हम पहले सॉल्यूशन करेंगे, पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, नूपुर के बारे में।
तो ये मेरा हो गया नूपुर। ओके, तो नूपुर जो है उसका रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगुलर फील्ड में दौड़ रही है, तो इसका लेंथ कितना दिया है 30 मीटर, ब्रेथ बता दिया कितना 22 मीटर। ओके, तो इसमें आप निकाल लो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ओके, तो क्या आएगा, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। यानी कि पेरीमीटर कितना आ गया 104। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कितना कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 104 मीटर। इसमें एक राउंड दो राउंड ऐसे कुछ बोला नहीं है, अगर एक राउंड दो राउंड बोला होता तो मैं इसको इनटू कर देता। बोलो क्लियर हो गया। अब देखो, तो मैं यहाँ लिखता हूँ देयरफॉर नूपुर कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 104 मीटर। ओके, ये किसके बारे में हम किए सॉल्व, नूपुर के बारे में। ओके, अब किसके बारे में बात हो रही है, कृष्णा के बारे में। कृष्णा जो है वो कवर्स ए स्क्वायर फील्ड, ये किसके बारे में बोला है, स्क्वायर फील्ड के बारे में बोला है। तो ऑफ साइड कितना दे दिया 25 मीटर। ओके, तो ये है कृष्णा के बारे में, फॉर कृष्णा, किसके बारे में, फॉर कृष्णा। ये हो गया फॉर नूपुर। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या दे दिया, देखो साइड ऑफ स्क्वायर गिवन, क्या दे दिया, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड। ओके, तो साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड को हम लोग क्या मानते हैं, ए, तो कितना है 25 मीटर। तो इसका आप क्या निकाल लो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, ये हमें मालूम नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे, वी नो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू 4 × व्हाट साइड, तो 4 × 25 मीटर मीन्स 100 मीटर। तो ये हमारा क्या निकल गया, पेरीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ जो कृष्ण है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है या कर रही है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। तो हम लिखते हैं कृष्णा कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन है हु कवर ग्रेटर डिस्टेंस, मतलब वो कितना दूर कितना ज़्यादा वो कवर कर रहा है डिस्टेंस। ठीक है, तो कौन डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रही है, देखो यहाँ पे 104 है, यहाँ पे कितना 100 है, तो कौन ज़्यादा दौड़ रही है, नूपुर। ठीक है, तो नूपुर कवर्स ग्रेटर डिस्टेंस। अगर आपसे पूछा जाएगा बाई हाउ मच, तो फिर आप क्या करोगे, दोनों के बीच में माइनस कर दीजिएगा। ओके, तो मैं आपको पूरा डिटेल्स में कर लिख ही देता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा हियर नूपुर कवर्स ए कवर्स व्हाट अ ग्रेटर डिस्टेंस। ओके, ग्रेटर डिस्टेंस बाई, बाई कितना कितना हम कैसे निकालेंगे, देखो 104 माइनस 100, इसको हम अगर माइनस करेंगे तो कितना ज़्यादा, यानी कि दौड़ी है 4 मीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है। ओके, तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और एक बात मान के चलो कि अगर क्वेश्चन आपको स्क्वायर फील्ड या रेक्टेंगुलर फील्ड दिया होगा, आपको कहा गया है कि आप उसके ऊपर में ना तार से क्या करना है, कवर करना है, तार से क्या करना है, कवर करना है। अगर तार को एक राउंड लगाते हो
तो वो हो जाएगा वन राउंड, यानी कि पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब वन राउंड। अगर आपको पूछा जाएगा कि आप उस तार को चार राउंड लगा दिए, एक नीचे, एक उसके ऊपर, एक उसके ऊपर और एक उसके ऊपर, चार राउंड लग जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ फील्ड। आपका पहला स्टेप क्या हो गया, पेरीमीटर निकाल दो, मतलब एक राउंड। अगर आपसे को पूछा जाए कि चार राउंड का कितना होगा, तो एक राउंड का जितना भी मान के चलो कि एक राउंड का आपका आ गया 100 मीटर, ओके। तो अगर चार राउंड है तो कितना हो जाएगा, 100 × 4 कितना हो जाएगा, 400 मीटर। ये क्लियर हो गया। आपसे अगर पूछा जाए कि आप जो तार ला रहे हो तो दुकान से लाओगे, अगर क्वेश्चन कहा जाएगा कि एक मीटर का दाम कितना है, 50 रुपया, मान के चलो एक मीटर का दाम कॉस्टिंग कितना पड़ रहे हैं, 50 रुपये। आई मीन इफ ए वन मीटर ऑफ वायर कॉस्ट रुपीज हाउ मच, 50 रुपीज। यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल अमाउंट दैट यू हैव टू स्पेंड फॉर बाइंग द वायर। आपको तार खरीदने के लिए कितना खर्चा पड़ेगा। आपने जब इसको निकाले थे पेरीमीटर, तो आपका कितना आया था, 400 मीटर। तो एक मीटर का दाम कितना था, 50 रुपया। तो फिर आप जब 400 मीटर वायर खरीद रहे हो तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 400 मल्टीप्लाई कितना, 50। तो आपका कितना खर्चा हो जाएगा, बोलो 20,000 रुपीज खर्चा हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इतना तो कभी होता नहीं है, लेकिन यहाँ मैंने 50 रुपया बोला, वहाँ अगर 5 रुपया मीटर होगा तो कितना हो जाएगा, 2,000 रुपया खर्चा। तो जितना भी कॉस्टिंग दिया होगा उतना आप उसके साथ क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा। इस तरह से आपका क्या निकल आया, टोटल कॉस्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे आराम से कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। बाय बाय।